कहीं कलकल बहते झरने तो कहीं ओवरफ्लो होते बांध और तालाब। बड़ी मन्नतों के बाद राजस्थान में ऐसे सुखद नजारे देखने को मिले हैं। अरावली श्रृंखला पर हरियाली की चादर देखकर हर कोई रोमांचित है। हर ओर शिमला और मनाली नजारा है। कस्बों और गांव के तालाब एनीकट ओवरफ्लो हैं, तो बांध भी झमाझम बारिश के बाद छलकने को आतुर हैं। दूसरी ओर राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। बीते 24 घंटों में टोंक जिले में सबसे ज्यादा 321 mm बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा शाहपुरा में 213 mm, बूंदी में 226 mm, भीलवाड़ा में 206 mm, अजमेर में 155 mm, बारा में 185 mm और बूंदी में 190 mm बारिश दर्ज हुई है। बूंदी जिले में रविवार से लगातार हो रही बारिश के चलते शहर की कई बस्तियां जलमग्न हो गईं, सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां खिलौने की तरह बहने लगीं। वहीं लगातार हो रही बारिश को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं पाली के पिपलिया कल्ला गांव के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की जगह पानी ने ले ली। पूरा अस्पताल बारिश के पानी की चपेट में है। ये तो थी गांव और कस्बों की बात, अब अजमेर के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल को ही देख लो। बारिश के बाद अस्पताल के ड्रेनेज सिस्टम हाफ गया। अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में सुबह से ही पानी भरना शुरू हो गया। पानी के बीच ही नर्सिंग कर्मी मरीजों के ड्रिप लगा रहे हैं। परिजन पानी में खड़े रहने को मजबूर हैं। बाद में अस्पताल प्रशासन की ओर से पानी निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो भी नाकाफी सी नजर आई। वहीं रेडियोग्राफी विभाग में एक्सरे कक्ष, सोनोग्राफी मशीन के कक्ष आदि जगह भी पानी भर गया। राजस्थान की लाइफलाइन माने जाने वाले सबसे बड़े बीसलपुर बांध में भी पानी की जोरदार आवक शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक बीसलपुर में फिलहाल करीब 50 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी की आवक हो रही है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के अन्य बांधों में भी जबरदस्त आवक हो रही है। तेज आवक के चलते कोटा बैराज, काली सिंध और पांचना बांध के गेट खोल दिए गए हैं। काली सिंध के 4, कोटा बैराज के 3 और पांचना का 1 गेट खोल दिया गया है।